अब जो इंडिया ने जो किया है और पूरी दुनिया उससे एनवी कर रही है, उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रखी है। जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो, तो उनको इस चीज का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी तो मुल्क कैसे चलेगा। सही बात है। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है लेकिन ग्लोबली जो है आप दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। अब आप इंडिया को इस सारे सिनारियों में सामने रखें तो इसमें हर चीज में इंडिया जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है पहले 4-5 मुल्कों के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों अभी कल ही नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरा, आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दी। पाकिस्तान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। से तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था क्योंकि SCO मीटिंग है, तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इन्वाइट ना करे, तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई ओपनिंग क्रिएट करना मेरा ख्याल है वो समझेंगे कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा पे और रक्षा मंत्री अमेरिका की यात्रा पे, ऐसे में वो कहते हैं कि भारत तो हर तरफ की खेलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत और मोदी जी के चर्चे काफ़ी जोरों शोरों से है और उसकी जो बड़ी वजह है जिस तरह से मोदी जी ने रूस यात्रा के बाद यानी पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ दुनिया के कई मीडिया ने यह भी कहा कि यह शायद अमेरिका के दबाव के कारण भारतीय PM यानी मोदी जी को यूक्रेन का दौरा करना पड़ा। और वह तर्क देते हैं क्योंकि मोदी जी की यूक्रेन यात्रा के दौरान ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की यात्रा पर गए और वहां पर कई डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, जिस पर एज ए भारतीय एक ही बात कही जा सकती है जो कि आज के वीडियो में भारतीय कर्नल साहब ने कहा भी कि भारत न रसिया की तरफ है न अमेरिका की तरफ है बल्कि भारत सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ है। क्योंकि अगर मोदी जी के चाहे वो अमेरिका के दबाव के कारण ही क्यों ना हो यूक्रेन जाना पड़ता है लेकिन उसके एवज में अमेरिका भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है और उसके अंदर भारत को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं, तो उसमें हर्जी क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा पे और रक्षा मंत्री अमेरिका की यात्रा पे और जो रशिया है वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसे में वो कहते हैं कि भारत तो हर तरफ की खेलता है, भारत किसी का नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं? वेरी गुड। एक्चुअली सच बात देखी जाए तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट और एक्सपर्ट बिल्कुल ठीक बोल, पता है क्यों? क्योंकि उनके सोच में उनकी पढ़ाई में हमेशा से ये बात रही है कि हम तो एक ही तरफ चलेंगे। अगर हम मुस्लिम स्टेट है तो हम मुस्लिम स्टेट होने से सेटिस्फाई नहीं होंगे एज वेल एज पाकिस्तान, हम कट्टर मुसलमान बनेंगे, हम तालिबान की कॉपी करेंगे अपने आप को। इसी तरह अगर वो USA के साथ रिलेशन रखते थे तो वो उनका उनकी मेंटालिटी है ये कि आप अगर किसी की गोद में 50-60-70 साल खेले हो तो आपकी मेंटालिटी उस गोद वाली रहेगी ना, पैरों पे खड़े होने वाली नहीं रहेगी। सो एक फिकर जिसको बोलते हैं ना BP बढ़ गया, हाइपरटेंशन बढ़ गई, उससे आपका BP बढ़ रहा है। सो पाकिस्तान का एक्चुअली वही वाला हाल है और उसको ये भी पता है कि उसका एक बहुत पुराना 50 साल से ज्यादा का जो पार्टनर है जिसको वो पार्टनर समझता था, पार्टनर था तो नहीं, वो ना केवल भारत की तरफ जा रहा है वो पाकिस्तान को छोड़ रहा है। मैं अब आपको अपनी मेंटालिटी बताता हूं जो हमारे देश की मेंटालिटी दिख रही है और पूरी दुनिया उससे एनवी कर रही है, उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रखी है कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसे चला दिया इंडिया ने। इंडिया ने शुरुआत करी थी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, अब जो इंडिया ने जो किया है वो बोला है कि वी आर स्टिल नॉन अलाइंड, हम अब अलाइंड हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। नॉन अलाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि बायकॉट US, बायकॉट रशिया, बायकॉट चाइना, इसका मतलब ये नहीं होता है। नॉन अलाइंड का मतलब होता है जो अगर आज हम देखते हैं कि हमारी चाइना से पटे या ना पटे लेकिन हम उनके साथ बिजनेस करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, शायद उनके लिए भी फायदेमंद, तो इकोनॉमिक गेन्स की वजह से कर रहे हैं, डिफरेंसेस के बावजूद ये ट्रेड बढ़ रहा है, ये हमारा नॉन अलाइंड तरीका है।
हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके साथ हैं, हम मिलिटरली उनके साथ हैं, हम उनके साथ पॉलिटिकली हैं, कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि जो मेरी सेहत के लिए ठीक है, मेरी अलाइनमेंट के लिए ठीक है, वो मैं ना करूं, मैं वो कर रहा हूं। दोस्तों अभी कल ही नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरा, आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। सोच रहे होंगे कि शायद जो है वो नए नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक हो रही है, उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने में आ रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, CHG बोलते हैं इसे, ये 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ये रोटेटरी चेयरमैनशिप होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे पिछले साल, जब डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था, सलाम नहीं किया, सिर्फ नमस्ते की, हाथ हैंड शेक नहीं की। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको ये बुलाया गया है। सुनने में आया कि मोदी साहब रेगुलरली हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं समिट्स अटेंड करते हैं, लेकिन याद रखें उन्होंने ये कजाकिस्तान वाली मिस की। मैंने ये, आप अगर मेरे इंटरव्यूज माजी में थोड़े जाके देखें तो मैंने ही आपको कहा था उन्होंने ये मिस ही पाकिस्तान के लिए किया कि मैं SOP सेट कर दूंगा कि भाईजान मैं पहले भी नहीं गया था, मैं अब भी नहीं जा रहा। इंडिया की अब जियो पॉलिटिक्स क्या है, इंडिया क्या समझता है कि हमें क्या करना चाहिए, या इंडिया क्यों SCO को स्नब कर रहा है, इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे। मेरी इतला ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे। वो आके क्यों पाकिस्तान का स्टेटस बड़ा करें? अगर नरेंद्र मोदी आता है तो पाकिस्तान इंडिया की नॉर्मलाइजेशन का मैसेज आता है कि पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री, यहाँ पे तो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। This is not a message which India wants to give at this moment. Indians जो हैं वो स्मार्ट हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, उनको समझ आ गया हमने क्या करना है। So why Prime Minister Modi thinks कि हमें SCO को ignore करना चाहिए? आप forget Pakistan, they want to ignore SCO Shanghai Cooperation because they believe that this is a Chinese-led model. तो हमें, क्योंकि हमारे चाइना के साथ bilateral मसले हल नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं जी ठीक है हम इसको भी नहीं करते। मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ये एडवाइस दी है नरेंद्र मोदी को कि लेट्स स्टार्ट प्रेशराइजिंग, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं शुरू करनी। आप जो चाइनीज एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर, आप उनके जरा ट्विटर हैंडल देखें और उनके लोगों के वो देखें वो क्या कह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन विद इन इंडिया दैट इंडिया एंड चाइना शैल स्टार्ट बाय वो जो है एयरलाइन जो है उसको करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी हाल ही में तो इंडिया ने ये तासुर देना है दुनिया को, तासुर क्या देना है कि यार हमारे तो इंडिया से चाइना से मसले ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिकन ऑलरेडी बड़े नाराज़ हैं कि रशिया के ऊपर जो है ये क्या कर रहे हैं।